अंकित तिवारी जी मेरे सब्सक्राइबर है और उनका कमेंट आया है कि टॉक कन्वर्टर और डीसीटी में क्या फ़र्क है। मैं देखिए इसकी एक बुक पढ़ रहा हूँ और मैं विस्तार में बहुत डिटेल में इसकी एक वीडियो डालने वाला हूँ मे बी 15-20 दिन में। टॉक कन्वर्टर और डीसीटी जैसे है सबसे कॉम्प्लेक्स डुअल क्लच ट्रांसमिशन जो है वो मानी जाती है, थोड़ी सी अनरिलायबल भी होती है अगर ड्राई क्लच हो। इसमें देखिए दो डेडिकेटेड जो है क्लचेस रहते हैं आपके लिए। अगर 7-speed डीसीटी है तो 1, 3, 5, 7 का अलग क्लच और 2, 4, 6 का अलग क्लच, जिसमें क्या होता है जब ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बहुत फास्ट इसमें शिफ्टिंग हो जाती है। टॉक कन्वर्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें इंजन के साथ ट्रांसमिशन लगी रहती है, जिसमें जो टॉक कन्वर्टर एक बड़ा सा गोल सा जो चीज़ होती है उसमें टर्बाइन भी रहता है, एक पंप रहता है और फ्लूइड रहता है। उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है ऑयल बाहर को जाता है फिर अंदर को आता है, इस प्रकार से कुछ मैकेनिज्म रहता है और ये काफ़ी रिलायबल भी है एज़ कम्पेयर टू डीसीटी।